अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुझे लगता है कि तूने उसे घर के अंदर ले आई, अपना कमरा दे दिया, तो अब हेतल के मन के अंदर तेरे लिए प्यार पनप जाएगा। वो अपनी जीत का जश्न जरूर मनाएगी, पर एक सेकंड के लिए भी तेरे बारे में नहीं सोचेगी। एक दिन में बदलना मुश्किल होता है मासी, हमें हेतल काकी को थोड़ा समय देना चाहिए। उसका त्रिया चरित्र तू नहीं समझती केसर, वो कब बदल जाएगी कोई नहीं कह सकता। खैर, कल जो तूने निर्णय लिया है उसके नतीजे की जिम्मेदारी तेरी होगी। अगर हेतल की वजह से मेरे घर की एकता को कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो उसके लिए मैं तुझे दोषी मानूंगी। आज एक मां नहीं सास बनकर दोहरा रही हूं, इस घर की एकता बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत सारे त्याग किए हैं, और अब इस घर की होने वाली बहू के नाते ये तेरी जिम्मेदारी है। हेतल की वजह से इस घर में फिर से बंटवारा नहीं होना चाहिए केसर। अंबे मां को साक्षी मानकर मैं ये सौगंध लेती हूं कि मैं किसी भी कीमत पर अपने परिवार को टोकने नहीं दूंगी। एक दूसरे का साथ और अटूट एकता हमारे परिवार की पहचान होगी मासू। जो कहा है वो याद रखना केसर, जैसे अंबे मां का शेर उनके भक्तों की रक्षा करता है, मैं भी उसी शेर की तरह हूं, किसी भी कीमत पर अपने परिवार की रक्षा करूंगी। शेर के कानों के पीछे जो धब्बे होते हैं उसकी आंखों की तरह होते हैं, उसे मदद करते हैं ताकि वो सब कुछ सुन पाए, पर मैं सब कुछ सुन भी पाती हूँ और देख भी पाती हूँ, वो भी जो मेरे पीठ के पीछे चल रहा होता है। और आज के बाद मेरी आंखें हमेशा खुली रहेगी, क्योंकि हेतल वो सड़ा हुआ फल है जो एक बार साथ हो जाए तो पूरे फल की टोकरी को सड़ा देगा। मैं अपना कर्म करूंगी मासू, फल चाहे कितना भी सड़ा हुआ क्यों ना हो, मैं उसकी सड़न को खत्म करके उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।